सुवासरा के आसपास के गांव में चार दिन पहले कंजरों द्वारा रात में किसानों की भैंसें चोरी की गई थी। जिन लोगों की भैंसें चोरी हुई थी उन किसानों ने चोरी हुई भैंसों की जानकारी सुवासरा थाने पर दी थी। सुवासरा थाने के जागरूक थाना प्रभारी राकेश चौधरी ने अपनी टीम के साथ कंजरों के ढेरे पर दबिश दी थी, जहां से चोरी की गई भैंसे जब्त की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें सुवासरा पुलिस की सफलता के लिए भारतीय किसान संघ द्वारा सुवासरा थाना प्रभारी राकेश चौधरी और उनकी पूरी टीम का फूल माला से थाना परिसर में स्वागत किया गया। माता जी जय जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान भारत माता जी। इसके किसान संघ के अध्यक्ष डोंगर सिंह जी, ऐसी क्या खुशी है जो आपने पुलिस का स्वागत किया है? भाई साहब बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। भाई साहब इसलिए आज स्वागत किया गया कि हमें किसानों को बहुत ज़्यादा अविश्वास हो रहा था कि हम हमारे दुख दर्द की बात कहें तो किससे कहें, दुख दर्द की बात सुने तो कौन सुने, ऐसा लोगों के अंदर थोड़ा सा ऐसा विश्वास हो रहा था। लेकिन आज माननीय सुवासरा थाने के पूरे स्टाफ और खास टांडे के मालिक टेई साहब, इन्होंने एक जाबाज इतनी जाबाज काम किया है कि किसानों की कितनी भैंसे लेकर के गए एक अनवाकित लोग, जिनके पास से कैसे करके ने भैंसे लाए, 50 भैंसें 50 बकरियां और 50 सौ लोगों को संतुष्ट आज तेई साहब की कर्म से और इनके स्टाफ की ताकत से, इनकी ईमानदारी की ताकत से आज ये साबित होता है कि किसानों का विश्वास टूटा नहीं, अभी भी किसान की सुनने वाला कोई ना कोई है। आज वो दिन देखने में आ गया कि टेई साहब ने पूरा वो मामले को साबित किया, इसलिए आज इनका स्वागत किया गया है। द न्यूज़ टुडे के लिए सुवासरा से श्रीकांत सोनी की रिपोर्ट।